और चलिए खबरों में बात करें कि मध्य प्रदेश के रतलाम के जहां पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत धराड़ सुर्खियों में है। यहां पर अशासकीय योजना से बनने वाली पानी की टंकी को लेकर ग्रामीणों का संघर्ष लगातार जारी है। यह मामला जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनने वाली पानी की टंकी निर्माण से जुड़ा हुआ है। टंकी के स्थान को लेकर नेताओं ग्रामीणों में संघर्ष चल रहा है। दरअसल नेता टंकी निर्माण का स्थान बदलवाना चाहते हैं, तो ग्रामीणों का कहना है कि जो स्थान चयन किया गया है टंकी का निर्माण भी वहीं करवाना होगा। टंकी निर्माण को लेकर धराड़ पंचायत उप सरपंच पंचों ने धरना भी दिया और कलेक्टर कार्यालय जाकर ज्ञापन भी सौंपा है। समस्या अभी वर्तमान में जो है वो पानी की बहुत ज्यादा है, विकट समस्या, और विकट समस्या है। हम तीन तीन किलोमीटर दो दो किलोमीटर से हमारी भाई बहने, एक तो हमारे छोटे वर्ग के लोग हैं, वो बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं। पानी की अभी बहुत ज्यादा किल्लत है। उसके बाद प्रशासन के कानों में रुई डली हुई है। हम यहाँ करीब 4 महीने से प्रयास कर रहे हैं, हमें बिल्कुल आश्वासन दे के घर भेजा जा रहा है। गाँव में टंकी की समस्या आ रही है, ग्राम पंचायत ने ठहराव प्रस्ताव दे दिया है, 17 पंचों के साइन करके दे दिए हैं, गांव ग्राम सभा में पारित है, और गांव के 80% लोग चाह रहे हैं कि ये टंकी वहीं बने और गांव के हित में बने, पर कुछ लोग की वजह से वो टंकी वहाँ बन नहीं पा रही है, परेशान कर रहे व्यक्ति दो नेता। हम हमेशा पीएचसी के पास भी गए तो बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं, पीएचसी विभाग के अधिकारी विधायक के पास भी गए, सांसद जी के, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।